उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH में डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कोरोना भत्ते की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल किया। छात्रवृत्ति बढ़ोतरी की मांग को लेकर SKMCH कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। अन्य राज्यों के तर्ज पर छात्रवृत्ति देने की सरकार से मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली है। MBBS छात्रों ने कहा कि कोरोना ड्यूटी करने में उन्हें इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया जा रहा, सरकार को हमें कोरोना भत्ता प्रदान करना चाहिए। अन्य राज्यों में कोरोना भत्ता प्रदान किया जा रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर को भी स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाना चाहिए, इससे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर से अभयराज की रिपोर्ट। देखिए, हमारा मामला बहुत सिंपल सा है। हम ये चाहते हैं जैसे कि बिहार में जो AGMS इंस्टीट्यूट है, सभी इंस्टीट्यूट जो बिहार में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर ही आती है, लेकिन जो AGMS के इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इंटर्न का जो स्टाइपेंड है अभी 28,000 हो चुका है। ठीक है, अगर हम अदर स्टेट की बात करें जैसे हमारा आसाम हो गया या फिर कर्नाटका हो, वहाँ पर इंटर्न का स्टाइपेंड 30+ है। महाराष्ट्र में 50,000 हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार में हमारा स्टाइपेंड मात्र 15,000 है, जबकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हर 3 साल पे उनको स्टाइपेंड रिन्यूअल करना पड़ता है, उनको बढ़ोतरी करनी होती है। लास्ट स्टाइपेंड हमारा बढ़ा था 2013 में, उसके बाद कोई स्टाइपेंड नहीं बढ़ा। अब इस जो अभी सिचुएशन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है कोरोना काल में, तो हम लोग का ड्यूटी लग रहा है, हम लोग जाएंगे भी और करते भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं किया गया कि हम लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिले, जैसे कुछ प्रोत्साहन राशि या हमारे स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट। दूसरी चीज़ है कि हर एक हेल्थ जो कैंडिडेट होता है, हेल्थ सब वर्कर जो होता है, उन लोगों को एक सुरक्षा के प्रदान पर इंश्योरेंस भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक बिहार गवर्नमेंट ने इंटर्न वालों को कुछ ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि इनको इंश्योरेंस दी जाएगी। तो हमारी बस डिमांड ये है कि हमारा स्टाइपेंड जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। हमारा स्टाइपेंड 15,000 है, तो कम से कम जो अदर स्टेट है 40,000-50,000, अगर वो उतना स्टाइपेंड नहीं इंक्रीज करें, कम से कम 30,000 वो हमारा स्टाइपेंड बढ़ाएँ। दूसरी चीज़ कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी हमें प्रदान करें, ताकि हम भय मुक्त होकर अपना काम कर सकें। इस संबंध में किसी प्रिंसिपल वगैरह से बात हुई है? जी, हमारा प्रिंसिपल, हम सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात हुई है, प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, वाइस प्रिंसिपल से भी बात हुई है, वो सभी लोग हमारे एग्री हैं, सभी साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन हमारा डिमांड तो जेन्युइन है। और केवल यही कॉलेज नहीं, जो बिहार के जो IGMS के अलावा जो 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आज सभी जगह इसके खिलाफ जो हो रहा है स्ट्राइक हुआ है, और सभी छात्रों ने और सभी प्रिंसिपल और सभी सुपरिटेंडेंट ने हमारा बहुत अच्छे से सहयोग किया है। ये स्ट्राइक जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी ना की जाए। ठीक है, आज हम लोग का जो ये स्ट्राइक किए हैं, ये सांकेतिक स्ट्राइक है। अगर ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो जब हम लोग ड्यूटी जब हम लोग करते हैं तो फिर वो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है। मेरा नाम नवनीत कश्यप है, फाइनल स्टूडेंट हूँ और SKMCH मुजफ्फरपुर से।